सर अभी दो तीन दोबारा थोड़ा खड़वा सच्चा सच को बोलना चाह रही कश्मीर फाइल्स के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले, उसका खिलाफ बात करने वाले नए नए 100 200, इतना ही हुआ, आप इसके ऊपर क्यों इतना चिंताजनक बात कर रहे हैं? सर उस समय का दो तीन सच्चाई हम याद करना चाहिए, जब इतना जबरदस्त हिंदुओं के ऊपर इतना हो रहा था और लोग कैसे बाहर निकले वो भी उनको मालूम नहीं था, और मैं बोलना नहीं चाहती, नो डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर, हस्बैंड के सामने वाइफ का, यू विल अंडरस्टैंड सर, कांट इवन अटर दिस, पीपल वे थ्रेटेंड, यू विल कन्वर्ट और एल्स यू विल नॉट बी अलाइव, ये हुआ उस समय, मगर सच्चाई बाहर आने के हर बार कुछ ना कुछ आतंक, नहीं, दैट डिडंट हैपन, डिनायल, आज भी डिनायल हो रही है। और जब इस फिल्म के बारे में कोई ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर बात किए, इवन नाउ ये मैं दुख के साथ, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बहुत बैठे हैं इधर, कल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से डिनायल का ट्वीट्स लगातार आया, और ये भी बोले कश्मीरी पंडित खुद जाकर के चल गए कश्मीर से उनके खुद की मर्जी से, ना कि कुछ हुआ, डिनायल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, और उस हैंडल में से ये भी बोले कि अपने आप चले गए, और हमारे पार्टी का बिलीफ है कि ये टेररिस्ट का काम था, कुछ काम था पता नहीं, और खुद वो क्योंकि दिल्ली में उनको कुछ बेनिफिट्स मिल रही है, जमीन मिल रही है, जॉब मिल रही है, रिजर्वेशन, उसके लिए वो निकल गए, और ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बिलीफ, कांग्रेस पार्टी के बिलीफ, सेपरेटिस्ट का लॉन्ग बैटल है ये सेपरेटिस्ट एंड दोस स्टैंड फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए जो लोग हैं उनके और सेपरेटिस्ट के खिलाफ वाले बीच में आपस में झगड़ा है, इसके वजह से उधर दुख हुआ। मगर सच्चाई में बोलूं सर, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, असनन मसूदी जी हैं इधर, उनके गवर्नमेंट था जेएनके में, और उसमें पार्टनर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दुख से यह भी मैं कह रहा हूं, नाम नहीं ले रही हूं, तब की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके अपने नसीब देख लो भैया करके विदेश चले गए, ये भी सच है जी, जम्मू कश्मीर के तब की सरकार की चीफ मिनिस्टर हिंदुओं को उनके नसीब को छोड़ करके देश विदेश चले गए, और ये लोग मरे, रेप हुआ, और उन सबको बाहर भागने का बदनसीबी उनके ऊपर आया, आज भी कांग्रेस खल के ट्वीट के द्वारा कांग्रेस उसको डिनाई कर रहे हैं।